हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल सारी टेक में। दोस्तों आज मैं आपके लिए नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जो दोस्तों टिकटॉक पे अभी पोस्ट हुआ है, एक घंटा भी नहीं हुआ है दोस्तों, उस पर लाइक्स की बारिश हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सुहेल खान का, जो कि दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसका हर वीडियो वायरल हो ही रहा है, तो दोस्तों इसका ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान ट्यूटोरियल दोस्तों, सिर्फ आपको वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखना है। किस तरह से एडिटिंग करना है और कैसे करना है ये तो आप सभी जानते हैं कि काइन मास्टर से एडिटिंग होगा। काइन मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लिए। और दोस्तों आपको दो वीडियो शूट कर लेना है, एक दोस्तों इस तरह का वीडियो है जो आपको मतलब स्टाइल करना है, गर्मी थोड़ी पड़ जाएगी हाथ ऊपर करना है, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्टाइल वाला टी शर्ट पहन लीजिएगा, चश्मा पहन लीजिएगा। इस तरह से मैंने सिंपल पहना है, सिंपल चला है, आप थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहन के चश्मा वगैरह पहन लीजिएगा। और दोस्तों साइड में आपका बैकग्राउंड में जो कि दोस्तों कलर चेंज होता है, जैसे बादल का आप देखें, सुहेल खान का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको साउंड का लिंक आपको बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों उसका बादल का भी कलर चेंज होता है पीछे, उसका दोस्तों फायर भी लगता है, उसका दोस्तों सूरज नीचे से ऊपर उठता है, उसका दोस्तों वॉल्यूम का जो सिग्नल है वो भी ऊपर उठता है। तो दोस्तों उस सब का मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लिया। पहला वीडियो ये है वॉल्यूम अप वाला, दूसरा ग्रीन स्क्रीन वाला, ये सन वाला है जो कि नीचे से ऊपर आता है, तीसरा दोस्तों आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है जो कि दोस्तों बादल का कलर है, और चौथा आपका फायर वाला है जो कि दोस्तों गाछ है उसमें आग लगता है। तो दोस्तों चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एडिटिंग करने वाले काइन मास्टर से, अगर आपके पास काइन मास्टर वाटर मार्क वाला है तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ मैं आपको मैं काइन मास्टर का विदाउट वाटर मार्क का लिंक सेंड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट चलते अपने टॉपिक पर, किस तरह एडिट करना है पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो हमें चाहिए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आए अपने काइन मास्टर में, प्लस कैकन में जाकर टिकटॉक वाला रेशियो सेलेक्ट कर लें। उसका दोस्तों आपको जो दोनों वीडियो शूट किया था अपने कैमरे से बोला मीडिया में जाकर वो वीडियो लेके आएंगे, तो दोस्तों मैंने दोनों वीडियो शूट कर लिया है। देखिए दोस्तों पहला वीडियो ये है और दूसरा वीडियो हमारा एक्सपोर्ट में है। तो दोस्तों दूसरा कहाँ गया, ये रहा दोस्तों, इसका साउंड कम कर देते हैं पहले, उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला का भी साउंड कम कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको स्टाइल मारना है और इस तरह से आपको हाथ ऊपर करना है, उसका दोस्तों पंच मारना, उसका दोस्तों दूसरा वीडियो आपको चल के आना है स्लो मोशन जैसे शूट करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल वीडियो 10 सेकंड का है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कैंची में जाकर ट्रिम टू राइट कर देंगे। उसका दोस्तों हम पहले में आ जाएंगे और जहाँ से हम हाथ ऊपर करते हैं ना, इशारा करते हैं, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, उस वहाँ ऐसे थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया दोस्तों। 3.1 सेकंड में देखिए हाथ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रोकना है और इसमें टच करके कैंची में जाके थर्ड वाला ऑप्शन कट करना है, तो हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। उसका दोस्तों इस वीडियो में जाके हमारा थोड़ा नीचे जाना है, कलर एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस को 50 में कर देना है, तो दोस्तों हमारा जो लाइट है वो कम हो जाएगा, 50-65 में रखिएगा तो हमारा लाइट कम हो गया। उसके बाद दोस्तों इसको इसी तरह रहने देना है। उसके बाद दोस्तों जो हम डायलॉग बोलते हैं, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, वहाँ पर आएँगे उस लेयर में जाके, लेयर में जाके मीडिया में जाके पहले तो हम वॉल्यूम अप वाला जो बढ़ता है वो लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला है, इसका दोस्तों सबसे पहले क्रोमा की ऑन करना होगा हमें, कहाँ गया क्रोमा की, क्रोमा की ऑन कर दीजिएगा। उसका दोस्तों इसको रोटेट करिएगा, सीधा कर दीजिएगा, रोटेट रोटेट, ये रोटेशन है दोस्तों, आप इसे इस तरह से रोटेट कर दीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा, देखिए खड़ा हो गया। अब दोस्तों इसको आपको साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, देखिए साइज़ बड़ा है तो इस तरह से यहाँ पर छोटा करके रख दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका मैं आपको टोटल दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से बढ़ने लगा। उसके बाद दोस्तों फिर इसी पे आना है और सूरज का ही वीडियो लेके आना है, जो सनलाइट नीचे से ऊपर आता है। दोस्तों लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और दोस्तों मैंने इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जाना है, सेंड टू बैक करना है, और दोस्तों इसका भी क्रोमा की ऑन करना होगा, क्रोमा की ऑन कर दीजिएगा और थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ताकि ग्रीन वाला पता ना चले। हाँ ये ठीक हो गया। अब दोस्तों इसका जो इन एनिमेशन है, इन एनिमेशन आपको फेड रख देना है। फेड रखने के बाद आपका पोजीशन देखिए कहाँ से शुरू होता है, गाज के पास से उठना चाहिए, घूम नहीं, घूम नहीं, एकदम गाज के पास से, यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए पहले हमारा लाइट कम रहता है, उसके बाद दोस्तों डायलॉग शुरू होता है, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो दोस्तों लाइट ही बढ़ रहा है और सनलाइट भी बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पंच वाला इफेक्ट डालना है, जो आप पंच मारते हो, तो यहाँ पे इस लेयर पे टच करना है, नीचे आपको यहाँ पे हीट एंड ब्रेक लिखा हुआ, अगर आपको नहीं मिले तो गेट मोर में जाकर डाउनलोड कर लेगा, तो हीट एंड ब्रेक लगाता हूँ मैं, ये वाला लगाइएगा 4 नंबर वाला, तो दोस्तों आपका कूल लगेगा देखने में। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये दिख रहा है 1.0 में, तो 0 में लगा दीजिएगा,
तो 1.0 में हमारा लग गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, लगभग आधा काम हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सनलाइट का इफेक्ट है, वॉल्यूम अप का इफेक्ट है और ये पंच वाला भी इफेक्ट हो गया। तो दोस्तों हमें इसको शेयर कर लेना है फुल एचडी में। शेयर करने के बाद दोस्तों दूसरा पार्ट हमें एडिट करना होगा। दोस्तों काइन मास्टर में 2 से ज़्यादा लेयर सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए दोस्तों आपको मैं 2 पार्टें बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, वरना दोस्तों आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट मैं आपको दोस्तों फायर लगा के दिखाऊंगा और ये जो बैकग्राउंड में बादल चलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा, आप एडिटिंग बहुत ही आसानी से कर सकिएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पहला पार्ट, उसका दोस्तों हमें बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, प्लस करके हमें जाकर टिकटॉक वाला रेशियो सेलेक्ट करना है और मीडियम जाके वो वाला वीडियो लेके आना है जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों हमें कहाँ से लगाना है देख लीजिए, पंच ख़त्म होता है हमारा, ये पंच ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे लेके आना है, लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है और दोस्तों आपको मैंने बादल वाला बैकग्राउंड का लिंक दिया है, इसको सबसे पहले आपको जूम कर लेना है इस तरह से और दोस्तों जूम करने के बाद इसको ऊपर रख देना है, जितना जूम आपको करना है कर लीजिएगा, देखें हिसाब से रखिएगा। उसका दोस्तों नीचे जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ओवरले या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ओवरले ही रखिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ओवरले करने के बाद आपको दोस्तों फायर लाइफ इफेक्ट लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया, इसका भी साउंड में कम कर देता हूँ। और दोस्तों आपको फिर से वहीं पे जाना है, लेयर में जाके मीडिया में जाके, वो मैंने आपको दे दिया है, फायर वाला भी इफेक्ट है, तो जाके दोस्तों इसका ही पहले क्रोमा की हम पहले ऑन कर लेंगे। क्रोमा की ऑन करते ही दोस्तों हमारा देखिए ग्रीन एकदम हट जाएगा और दोस्तों साइड में ब्लैक आ रहा है तो इसको हम क्रॉप कर लेंगे। इस तरह से क्रॉप करने के बाद दोस्तों इसको भी हम उठा के गाछ के पास इस तरह से रख देंगे, बस दोस्तों इसको सेंड टू बैक यहाँ पे कर देना है। दोस्तों इसका साउंड मैंने कम कर देता हूँ, अब दोस्तों मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ और साउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसी साउंड पर पोस्ट कर लीजिएगा जब हम आएँगे। देखिए दोस्तों गर्मी बढ़ गई, दोस्तों पंच मारा और दोस्तों बैकग्राउंड आग सब लग गया। दोस्तों अगर आपको ये वाला बादल का इफेक्ट ऐसा लग रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉपिंग में जाके ऑन करके इसका जो शेप है नॉर्मल रखिएगा और दोस्तों का इसका फेदर जो है ऑन कर दीजिएगा। फेदर ऑन करने के बाद दोस्तों आपका ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि आपका यहाँ पे दाग वगैरह कुछ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों पहले दाग आ रहा था ना लाल लाल, या फिर एक तरह लग रहा था कि यहाँ कट किया हुआ, लेकिन दोस्तों अब आपका नॉर्मल लगेगा, देखिए कितना सॉलिड लग रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका जो शेयर कर देना है फुल एचडी में और टिकटॉक में पोस्ट कर देना। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ।